Assalamu alaikum. Before this, we have solved many papers of FIA. So it's our paper which conducted on 30 and 31 December. And remember these questions, because this question will come your upcoming papers. So let's start. Vacant tube was used in what generation? इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से पहले भी डीप में जाके सॉल्व किया था, वो ये ऑलमोस्ट आईएफआई के जो टेस्ट चल रहे हैं उनमें पूछा गया था एंड आगे जितनी भी टेस्ट आएंगे उनमें भी पूछा जाएगा। ये किया गया था फर्स्ट जनरेशन में, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था इस जनरेशन में। और जो सेकेंड जनरेशन आई थी वो थी ट्रांजिस्टर बेस, ठीक है, सेकेंड। एंड जो थर्ड थी वो थी IC integrated circuit, and fourth generation a very large integration integrated scale, yes, tarike se hoga, and jo finally wo hai ultra large scale, theek hai, and confirm kar lena iska jo complete form hoga. Ye panch generation jo abhi tak chal rahi hai wo chal rahi hai ultra hamare paas. GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, डेट्स मीन इसका स्टैंड फॉर पूछा गया था। वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। व्हिच इज कॉल्ड द कंप्लीट रिलीजन, ये बहुत ही कॉमन है, हम इस्लाम को बोलते हैं कंप्लीट रिलीजन, इज कॉल्ड इस्लाम। व्हेन क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड, क्विट इंडिया मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट की गई थी इंडिया में, आई थिंक 1942 को स्टार्ट की गई थी, गांधी ने स्टार्ट की थी ये। खलीलुल्लाह वाज टाइटल ऑफ, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो खलीलुल्लाह है वो टाइटल किसका, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। खलीलुल्लाह का जो मीनिंग निकलेगा आई थिंक फ्रेंड ऑफ गॉड या फ्रेंड ऑफ अल्लाह। How many sheets insert in MS Excel? 3 sheets. ISP stand for Internet Service Provider. ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। Largest organ in human body. जो human body का largest जो organ है ना, जो outer है हमारा वो है skin. ठीक है, skin. And I think जो हमारा inner है वो होगा हमारा liver. बट लेवर को एक बार कंफर्म कर लेना आप लोग, क्या है आप जब कंफर्म करने जाएंगे ना तो इससे आपको एडवांटेज ही होगा, दो तीन चीज़ें आपको और मिल जाएंगी, ठीक है, तो कोई कंफर्म करने में कोई ब्याज नहीं। द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया ऐप इन 2021, फेसबुक। How many times the Muhammad sallallahu alaihi wasallam name repeats in the Holy Quran? Muhammad ka jo naam hai wo char baar repeat hua Holy Quran mein. Fourth pillar of Islam. Ye panchon pillar baar baar puche gaye hain. Inko confirm kar liye abhi bhi. To jo fourth pillar hoga Islam ka wo kya hoga abhi? Pehla dekhiye aap kaun sa hai, shahadat. नंबर टू पर आता है सलात, नमाज, ठीक है। नंबर तीन पर आता है ज़कात, एंड नंबर फोर्थ पर आता है ज़कात के बाद क्या होगा, फास्ट, रोज़ा, एंड फिफ्थ पर आएगा आपका हज। अब कोई आप ट्रिक निकाले यहाँ से ताकि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएं। टिकटॉक वाज लॉन्च इन, टिकटॉक कब लॉन्च किया गया था, 2016 में। फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन वुड सिटी ऑफ पाकिस्तान, जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान का लगाया गया था कराची में 1972 को। ये या तो कनाडा या चाइना की हेल्प से लगाया गया होगा, आई थिंक कनाडा जो है वो मेरे ख्याल में 90% है, क्योंकि मैंने कंफर्म नहीं किया, आप कंफर्म कर लेना कनाडा होगा, बट आप कंफर्म कर लेना एक बार। वाज द ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, अब जो वाइस प्रेसिडेंट था पाकिस्तान का एक ही वो था नूरुल अमीन,
एंड अगर प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो वो था परवेज इलाही। ये परवेज इलाही तो इतना नहीं पूछा गया आज तक, लेकिन नूरुल अमीन का बहुत बार पूछा गया है। आई सी इज़ यूज इन वो जनरेशन, अगेन देखें ऊपर पूछा गया था फर्स्ट जनरेशन में, तो ये यहाँ पर थर्ड जनरेशन होगी। बहुत ही उसको अच्छे तरीके से हमने ऊपर सॉल्व किया था। GMT इज स्टैंड फॉर ग्रीनविच, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो टाइम डिवीजन होते है ना, तो उसके लिए ये लंदन में है एक बात, तो अब इसको एक एक्सप्लेन करना पड़ेगा लॉन्ग लेटिट्यूड लेटिट्यूड एंड किस तरीके से जो हमारे घंटों में जो डिफरेंट क्रिएट होता है। और दूसरा ये हुआ था, बनाया गया था 1884 को। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ पर है ये? लंदन में। कब बनाया गया था? 1884 को। ठीक है, एंड इसका जो स्टैंड फॉर किसका हो, क्या होगा? ग्रीनविच मीन टाइम। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत बार मैंने देखे हैं। जैसे ये गोबी डिज़र्ट मोस्टली इन विच कंट्री? मंगोलिया। गोबी डिज़र्ट जो है मोस्टली किस कंट्री में है? मंगोलिया में। जो गोबी डिज़र्ट है वो जो है कोल्ड डिज़र्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, कोल्ड डिज़र्ट। डॉस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डॉस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। डब्ल्यू रोम इसके स्टैंड फॉर, राइट वन ग्रेट मैनी। वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये भी मैंने पहले आप लोगों को एक पेपर सोल्व करने में बता दिया था। शमशाद अख्तर जो है वो पहली थी गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हाउ मेनी फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ अरब लीग? अरब लीग के फाउंडिंग मेंबर जो बनाने वाले थे वो सिक्स थे। अरब लीग बनाई गई थी 1945 को, एंड जो इसका कैपिटल है वो है कायरो में। कायरो कहाँ पर है? इजिप्ट में। ठीक है, वो कायरो से रिलेटेड जो है नाइल, दरा नील जो है कायरो में ये। ठीक है, ये क्वेश्चन याद कर लें, बहुत बार आ चुका है। हाउ मेनी मक्की सूरा आर इन द होली कुरान? जो मक्की सूरा है वो है 86 एंड जो मदनी सूरा है वो है 48। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी बनाया जाता है, पहले तो आप इनको कंफर्म कर लें कि इनमें से जो लॉन्गेस्ट है वो कौन सी है, तो ये हुई मदनी सूरे। मक्की शॉर्टर है एज़ कम्पेयर टू मदनी। विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान? अब हम अक्सर देखते हैं कि सूरा बकरा जो है नंबर वन पर है। बकरा की मीनिंग क्या है? काऊ, ये पूछा जाता है। और नंबर दो पे कौन सी है? आले इमरान। आले इमरान नंबर दो पर है। वाट इज द इत्तकाफ? तो इत्तकाफ सुन्नत है, रमज़ान के महीने में बैठते हैं। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया था इत्तकाफ का कि लीस्ट आप कितना बैठ सकते हैं, तो 3 दिन आपको कम से कम इत्तकाफ में बैठना पड़ता है। WVHF स्टैंड फॉर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। स्विस कैनाल कनेक्ट, स्विस कैनाल किन को कनेक्ट करता है? स्विस कैनाल जो कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी को एंड रेड सी को आपस में। स्विस कैनाल कहाँ पर है, किस कौन सी कंट्री में है, ये आपके ऊपर है, आप मुझे बताएं। अभी इसको नेशनलाइज कब किया गया था? 1956 को नेशनलाइज किया गया था। एशियन हेडक्वार्टर, एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? आई थिंक एशियन का हेडक्वार्टर जकार्ता में होगा, बट ये मुझे बिल्कुल भी माइंड पे नहीं आ रहा। ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज मुल्तान। मुल्तान जो है पाकिस्तान की ओल्डेस्ट सिटी है। हु कॉइंड द नेम ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? फ्रैंक डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट
तो इसने जो यूनाइटेड नेशन का नाम था वो रखा था। एंड यूनाइटेड नेशन ने किसको रिप्लेस किया था, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। लीग ऑफ नेशन को, लीग ऑफ नेशन को यूनाइटेड नेशन ने रिप्लेस किया था। यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने हैं? सिक्स। अब यह डीप में हम किसी और वीडियो में बना लेंगे। हाइट ऑफ नगना पर्वत, जो नगना पर्वत की हाइट है वो कितनी है? वो है 8126, 8126। ठीक है, नगना पर्वत को हम क्या कहते हैं? किलर माउंटेन, किलर माउंटेन। नगना पर्वत कहाँ पर है? ये हिमालयन रेंज में है। कौन सी रेंज में? हिमालय। और इसको हम आई थिंक ड्यामर भी बोलते हैं नगना पर्वत को। ठीक है, अब देखें आप, K2 कहाँ पर है हमारा? काराकोरम रेंज में। ठीक है, हमारा जो तेज मीर कहाँ पर है? वो है हमारा हिंदोकश रेंज में। एंड नगना पर्वत कहाँ पर है? हिमालयन रेंज में। नगना पर्वत को हम किलर माउंटेन भी बोलते हैं। 10 डाउन स्ट्रीट इज ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ, तो ये यूके के प्राइम मिनिस्टर की जो होती है ऑफिशियल रेजिडेंस होती है 10 डाउन स्ट्रीट। सीरी इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन वायलेट मेमोरी, जैसे रैम है वायलेट मेमोरी, रोम है नॉन वायलेट मेमोरी, बिकॉज नॉन वायलेट मीन्स जो डेटा लॉस ना करे। तो सीडी में भी डेटा लॉस तो नहीं होती हमारी। इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच काइंड ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस इन पाकिस्तान, पार्लियामेंटेरियन सिस्टम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसको अभी इमरान खान चाहता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में बनाए। व्हिच इज द कैपिटल ऑफ इथियोपिया, इथियोपिया का कैपिटल कौन सा है? एडिस अबाबा। एडिस अबाबा किसका कैपिटल है? इथियोपिया का। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड बगदाद पैक्ट, द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बनाई गई थी? ये 1955 में बनाई गई थी। जबूर रिवील डॉन, जबूर किस पे उतारी गई थी? पहले थी तोरेत, तोरेत किस पे थी? मूसा अलैहि सलाम पर। एंड सेकंड थी जबूर, दाऊद अलैहि सलाम पर। फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन, फ्रेंच रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1789 में। फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था स्टार्ट। ये कुछ क्वेश्चंस थे, बहुत ही रिपीटेड भी थे ये, एंड कुछ क्वेश्चन में न्यू भी थे। ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए MCQs आपके काम आ सकते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।